टोटी में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिलहाल एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि ट्रेडमिल है, जो कि फॉल्ट है, E01 का कंप्लेन आया हुआ है। अभी उसमें साइड में जाकर मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए अभी फिलहाल डिस्प्ले में कोई भी शो नहीं हो रहा है। देखिए अभी मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, अभी डिस्प्ले लेके देखेंगे क्या फॉल्ट है इसमें। देखिए 0.0 डिस्प्ले आ गया, लेकिन तुरंत 2-3 सेकंड के बाद E1 एरर आ गया। E1 एरर क्यों आता है? आइदर ड्राइवर सेक्शन का कुछ फॉल्ट है, ड्राइवर सेक्शन उनका नीचे वाला जो कवर है उसके नीचे होता है, वो ड्राइवर सेक्शन को हम निकालेंगे। निकालने के बाद देखेंगे उसमें क्या फॉल्ट है, फॉल्टिंग कंपोनेंट को रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ये वाला देखिए उसका DC मोटर है, परमानेंट मैग्नेट DC मोटर, 2.0 HP का मोटर है वो। देखिए ये वाला उनका इंक्लाइन मोटर है जो अप डाउन करता है। ये वाला उसका कंट्रोल कार्ड है, कंट्रोल कार्ड में दो छोटा वाला रिले, एक बड़ा रिले यूज हुआ है, दो कैपेसिटर भी यूज हुआ है, दो छोटा वाला रिले वो इंक्लाइन के लिए। देखिए ये वाला IGBT दोनों लगा हुआ है, ये वाला 3 पिन का डायोड भी लगा हुआ है। इसमें शायद फॉल्टी है, IGBT फॉल्ट है, IGBT फॉल्ट हमने रेक्टिफाई कर लिया। अब IGBT दोनों लगाने के बाद फिर हमसे फिक्स कर लिया हूँ। फिक्स करने के बाद कनेक्शन देने के बाद अब देखेंगे। सप्लाई मैंने ऑन किया, जब सप्लाई ऑन किया तो मुझे डिस्प्ले क्या मिला, डिस्प्ले में कुछ दिखाई दे रहा है, 0.0 का रीडिंग शो कर रहा है। 0.0 रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। काउंटडाउन स्टार्ट होने के बाद तुरंत 1.0 का स्पीडी मीटर में आ गया है। अभी फिलहाल हमको रनिंग करके देखेंगे, अभी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। देखिए 1.2, 1.3 ऐसे ही बढ़ रहा है, मतलब कीपैड हम सही काम कर रहा है। अभी जो हमारा फॉल्ट था, तुरंत E1 एरर आ रहा था, अभी E1 एरर नहीं आ रहा है। देखिए अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ, अभी रनिंग कर रहा हूँ तो कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। हमारा मशीन कम्प्लीटली रन कर रहा है, 1.9 स्पीड में, किलोमीटर पर आवर स्पीड में मैं चल रहा हूँ। अभी देखिए अभी पूरा ट्रायल अभी पूरा कम्प्लीटली रनिंग करके दिखाऊँगा आपको कैसे रन हो रहा है, कैसे मशीन भी काम कर रहा है। देखिए अभी फ़िलहाल मैं स्पीड स्लोली बढ़ा रहा हूँ, बेल्ट भी सही तरह से फिक्सन काम कर रहा है। हमारा आगे जो प्रॉब्लम था E0 का एरर था, वो E0 एरर हट गया है, क्योंकि उसमें जो नीचे वाला जो कंट्रोल कार्ड है उसमें दो IGBT शॉर्ट था। उसका IGBT का नंबर है 40R120 करके, दो IGBT उसमें लगा हुआ था, उसको हमने निकल के चेंज कर लिया हूँ। IGBT लगाने से पहले ड्राइवर सर्किट में एक एक रेजिस्टेंस और ड्राइवर IC को बार बार इसे चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको चेक नहीं करेंगे तो IGBT लगाने के बाद तुरंत ख़राब हो जाएगा। देखिए अभी फ़िलहाल मैं फाइनल टेस्टिंग कर रहा हूँ, पूरा कवर कर लिया हूँ, पूरा फिटिंग जो भी सामान निकाला था उसको सही तरह से लगाने के बाद प्रॉपरली फिक्सिंग कर लिया PCB बोर्ड को। फिक्सिंग करने के बाद हमारा ऊपर वाला जो कवर है उसको लगा लिया हूँ। लगाने के बाद अभी रनिंग करके आपको दिखाऊंगा। देखिए 1.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा हूँ मैं। देखिए अभी फ़िलहाल फाइनल टेस्ट है, फाइनल टेस्ट मैं सब बेल्ट वगैरह सब चेक कर लिया हूँ, नॉट बोल्ट सब चेक कर लिया हूँ। अभी फ़िलहाल मैं रनिंग कर रहा हूँ, देखिए स्मूथली रनिंग कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, डिस्प्ले में कोई भी इशूज नहीं आ रहे, क्योंकि पहले तो E01 का एरर आ रहा था। E01 का शायद हमारा तो ड्राइवर शक्ति मोटर को ड्राइव नहीं दे रहा था और मोटर रनिंग नहीं कर रहा था, इसी वजह से E01 तुरंत आ गया था। देखिए हमारा PCB कम्प्लीटली काम कर रहा है, मशीन भी कम्प्लीटली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई साउंड भी नहीं आ रहा है, मतलब मैं कम्प्लीटली परफेक्टली सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम। देखिए मैं रनिंग कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर से रनिंग कर रहा हूँ। देखिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ना साउंड हो रहा है, ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मतलब कम्प्लीटली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अगर E0 एरन सभी मशीन में अलग अलग आता है, ट्रेडमिल में कोई भी टेक्नीशियन उसको रिपेयर करने चाहेगा तो ऐसे नहीं पड़ेगा,